आप देख रहे हैं महाखबर। मैं लोधी रोड के शमशान घाट पर खड़ा हूं, जहां लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, कोरोना के पेशेंट लाए जा रहे हैं, जिसके बाद लगातार इस शमशान घाट पर दबाव बढ़ गया था, जिसके बाद ये स्थिति हो गई कि यहां शवदाह गृह की तरफ से एक तख्ती टांग दी गई और कहा गया कि अब शमशानों में जगह नहीं है। आप स्थिति को समझिए, इसी देश में अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में आईसीयू के बेड नहीं है, अब शमशानों ने भी कहना शुरू कर दिया कि यहाँ हमारे पास शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है। एक दूसरी तस्वीर हमने अंदर से भी आपको दिखाई, परिजन कैसे बिलख रहे थे, लगातार शवों के अंबार लगा है, शव बेतरतीब तरीके से जलाए जा रहे हैं, कतारबद्ध शव लगे हुए हैं, और भी शव जो हैं वो वेटिंग में हैं। अब यहाँ अस्पतालों के बढ़ते दबाव के चलते कह दिया जा रहा है कि वहीं से पहले शवों को बताया जाएगा कि ये शव इतने शव यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से भेजा जाएगा। वेटिंग में कोई शव नहीं रखा जाएगा, फ़ोन से वेटिंग होगी, उसके बाद वो शव भेजा जाएगा, उसके बाद यहाँ दाह संस्कार किया जाएगा। संस्कार लगातार हो रहे हैं, दिन भर संस्कार हो रहे हैं। हमने बात करने की कोशिश की, यहाँ जो भी लोग मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि संस्कार करते करते कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को आराम दे दिया जा रहा है। इतने शव आ रहे हैं कि उनको खाने पीने की भी फुर्सत नहीं है। एक कर्मचारी यहाँ लिख पढ़ रहे थे, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, हमने कहा कि आप हमसे बात कर लीजिए, हमें बताइए कि यहाँ स्थिति कैसी है। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि हम पेशाब करने भी नहीं जा सकते हैं, हम जब पेशाब करने जाते हैं तब भी लोग हमारे पीछे वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा काम कर दो। तो इसके पीछे पूरा बात कहने का बस ये है कि स्थिति पूरे देश में भयावह है। ये दिल्ली के शमशान घाट पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ शमशान घाट पे तख्ती चिपका दी गई है कि अब शमशानों में जगह नहीं है, शमशान में शवों को रोक दिया जाए। इस तरीके के हालात अब दिल्ली में हैं। मैं दिल्ली के लोधी रोड के शवदाह गृह पे खड़ा हूँ, जहाँ से मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा था, जहाँ से ये मैं आपको एक हकीकत दिखा रहा था। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, दिल्ली।